आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डेंग। हमारे साथ आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनकी हम बात करें तो वो वॉइस एनजीओ जो है रन कर रहे हैं और पिछले काफ़ी अरसे से जो है आम लोगों की, गरीब लोगों की जो है सेवा कर रहे हैं और इंसानों के साथ साथ में जानवरों की भी सेवा कर रहे हैं। और आज माह रमज़ान का महीना है और रोज़ा रख के जो है गरीब लोगों की भी सेवा कर रहे हैं और जानवरों के लिए जो है घास और पो पत्री वगैरह का जो इंतज़ाम, जो पशु जो आपको सड़कों पे दिख जाएंगे उनमें जो है उनको वहाँ पे डाला जाता है और वो अपना पेट भरते हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से जो है इंसानों के साथ साथ में जानवर को भी काफ़ी परेशानियाँ जो है आ रही हैं। तो हम बात करेंगे, वॉइस एनजीओ के मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, कब से आपका जो वॉइस एनजीओ चल रहा है और क्या मकसद था इसके पीछे? अरफाज भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि वॉइस एनजीओ 1990 में जो है मेरे बड़े भाई साहब ने रजिस्टर करवाई थी, जो कि नेशनल यूथ अवार्डी भी हैं और एक एडवोकेट भी हैं, इम्तियाज़ुल अबरार। तो 1990 से लेकर आज तक हम लोग सोसाइटी में काम कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो हम भी पिछले एक महीने डेढ़ महीने से तकरीबन हम लोगों ने एनजीओ के मेंबर्स थे, कुछ वॉलंटियर्स थे हमारे, तो हमने एज ए टीम जो है काम शुरू किया और ये काम हमने नगरोटा से शुरू किया। और सबसे पहले हमने काम जो है पब्लिक अवेयरनेस के रिगार्डिंग शुरू किया कि किस तरह से लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जो है बेसिक एहतियात बताए जाएँ कि किस तरह हम बच सकते हैं। उसके लिए हमने, आपने भी देखा होगा कि एक वैन जो है हमने डिज़ाइन की, उस पर हमने माइक शाइक लगा के और अलग लोकल लैंग्वेज में, चाहे पहाड़ी हो, चाहे डोगरी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कश्मीरी हो, तो इस मसले में जो है हमने पूरा एरिया कवर किया, जम्मू का भी एरिया कवर किया। स्पेशली नगरोटा में हमने जगती जो माइग्रेंट कैंप है उसको अडॉप्ट किया वॉइस एनजीओ ने, और वहाँ के लोकल्स की भी बहुत सपोर्ट है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो हम लोगों ने ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके अवेयरनेस का काम जो है, ताकि लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ये पता लगे कि इससे बचना कैसे है। तो उसके बाद जो है दूसरा स्टेप हमारे वॉइस एनजीओ की टीम ने ये चूज़ किया कि बहुत सारे गरीब लोग थे जो जिनको राशन की परेशानी थी, तो फिर हमने ये भी दूसरा स्टेप लिया कि किस तरह से लोगों को जो है गरीब लोगों तक जो है पहुंचा जाए, चाहे वो दिहाड़ीदार लेबर्स हों या बाकी लोग जो माइग्रेंट्स हों या फंसे हुए लोग हों। तो हमने एक नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर जो है वो चालू किया, उस पर लोगों के जो है ग्रीवेंसेस आते रहे। फिर हम लोग फूड किट्स जो है प्रोवाइड करते रहे। फिर हमने मैक्सिमम जो है एरियाज जो है तकरीबन हमने जहाँ जहाँ से फ़ोन कॉल्स आई, चाहे जम्मू में हो, चाहे जगती हो, चाहे भिंडी हो, चाहे नगरोटा, जहाँ जहाँ से भी हमें कॉल्स आई, तो हमने फूड किट्स जो है उन लोगों को प्रोवाइड करवाई हैं। और साथ में जो है फिर हमने मास्क के बारे में देखा कि कोरोना वायरस के चलते हुए जो है मास्क की शॉर्टेज जो है मार्केट में हो रही है, तो फिर वॉइस एनजीओ ने कुछ टीचर्स की जो है, रिटायर्ड टीचर्स की, वो वॉलंटरली हमारे साथ आए, तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने कपड़ा जो है मास्क के लिए भी डोनेट किया, तो फिर हम लोगों ने मास्क बनाना शुरू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे मास्क बनाए और जहाँ भी राशन की किट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके साथ साथ में हमारे वॉलंटियर्स जो है वो मास्क जो है वो भी लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ये दो काम हमने किए तो उसके साथ साथ में एनजीओ पे और रिस्पांसिबिलिटी आने लगी, लोगों के फ़ोन कॉल आने लगे कि भाई आप इंसानों को तो राशन प्रोवाइड कर रहे हो, अवेयरनेस भी कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स हैं जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं जिनको लोग पहले जो है फीड करवाते थे, लेकिन आजकल इस कोरोना वायरस की वजह से लोग घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो वो लोग एनिमल्स बाहर, उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, परेशानी हो रही है खाने पीने की। तो फिर हम लोगों ने, वॉलंटियर्स ने फिर एक डिसाइड किया कि हम लोग जो है इन स्ट्रीट एनिमल्स को जो है फोटो जो है प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि फ़ोटो कहाँ से मिलेगा, तो फिर हमने ग्रेटर कैलाश वाली साइड जो है फोटो आइडेंटिफाई किया और वहाँ हमारी वैन जो है डेली मॉर्निंग में जाती है और वहाँ से फ़ोटो जो है गाड़ी में ला के, और कुछ हमारे वॉलंटियर्स हैं। मैं तो दाद देना चाहता हूँ कि एनजीओज तो बहुत सारी है, लेकिन रन जो है वो एनजीओज जो है वो होती है वॉलंटियर्स के बेस पे। तो बहुत चैलेंजिंग था कि कोरोना वायरस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ज़्यादा वॉलंटियर्स भी हम नहीं रख सकते अपने साथ। तो हमने सेलेक्ट किया वॉलंटियर्स को कि कुछ वॉलंटियर्स, 10 वॉलंटियर्स या 5 6 वॉलंटियर्स हमने सेलेक्ट किए
कि यही वॉलंटियर जो है हमारे साथ रहेंगे, हम इंक्रीज भी नहीं कर सकते थे और इनसे हम डिक्रीज भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगातार मॉनिटरिंग भी रखते थे हम, सुबह से शाम तक हमारे साथ रहते थे वो, और प्रॉपर वे से जो है हैंड सैनिटाइजर्स भी करते थे, सैनिटाइजर्स भी उनको प्रोवाइड करते थे, मास्क भी प्रोवाइड करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग, गाड़ी में चाहे इन्वेस्टमेंट हो उसमें भी दो ही वॉलंटियर्स जो है हमारे गाड़ी में बैठते हैं। तो ये सारा चैलेंज था और ये हम कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और भगवान से ऊपर वाले से यही दुआ है कि जल्द से जल्द जो है कोरोना वायरस जो है ये इस पर कंट्रोल हो जाए और हमारे वॉलंटियर्स और पूरी दुनिया जो है चैन से सांस ले। तो और जो व्यूवर्स हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे डोनर्स हैं जिनने हमें हेल्प की, क्योंकि हर बंदे को राशन प्रोवाइड करना ये कोई इजी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और इस मुल्क में जो है हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हर घर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी पहुंचना ये भी एक चैलेंजिंग है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो एनजीओस का रोल यहाँ आता है कि एनजीओस जो है वो वॉलंटरली जो है जाएं और सोसाइटी में जो लोग उनका हेल्प करें, तो जितनी भी एनजीओस जो काम कर भी रही हैं और जो और भी अभी जो चाह रहे हैं कि हम करें वो आ सकते हैं बाहर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, अपने वॉलंटियर्स की स्क्रूटनिंग बड़े अच्छे तरीके से करें कि आपका वॉलंटियर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए कि वो लॉकडाउन का भी पालन करे और बाकी चीज़ें जो है वो भी नज़र में वो रखे, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही हैं कि वॉलंटियर्स जब बात सर्व कर रहे हैं तो वो इफेक्टेड भी हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हमने ये इनिशिएट किया है स्टेप, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारा वाइस एनजीओ का फेसबुक पेज है, अगर किसी को भी कोई ज़रूरत हो तो वो वहाँ पर आके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो वहाँ पहुँचेगी और उनको बाकायदा जो है जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो हम जितना हमसे हो सकता है हम प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ आपने दी अपने वॉइस एनजीओ से रिलेटेड। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का कितना साथ रहा आपको, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस जो सामने आई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, काफ़ी वीडियोस आई जिसमें बहस मुबहसा चलता रहा, कुछ इस तरह का आपकी एनजीओ के किसी मेंबर के साथ या कुछ ऐसा देखने में आया? सर ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस है और ये ऐसी महामारी है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ आपको देना ही देना है। तो ऐसा हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रह के ही ये नुगरोटा कंस्टिट्यूंसी से हमने जो SDPO नुगरोटा में है मोहन शर्मा सर हैं, उन्होंने वहाँ से हमने शुरू किया था ये काम। तो एडमिनिस्ट्रेशन की शाना बशाना रह के ही हमने काम किया और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस हैं कि अगर कहीं भी पुलिस आपको रोकती है आप बाकायदा उनको पास दिखाइएगा और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइएगा, उसके बाद गाड़ी की चेकिंग करवाइएगा, जब पुलिस सेटिस्फाई होती है तो ही नाका पार कर सकते हैं। अगर किसी तरीके से कोई रेड जोन है वहाँ नहीं जाया जा रहा है तो हम बिल्कुल भी वहाँ हमारे वॉलंटियर्स कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे चाहती है जो नाम से उनको 100% फॉलो किया जा रहा है और हमारे वॉलंटियर्स के साथ बिल्कुल भी कोई बदतमीजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल नहीं हुई है। और हमारे वॉलंटियर्स जो है ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वॉलंटियर्स हमारे बड़े इस समय कोरोना वायरस में जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़े डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और वो समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मजबूरियाँ हैं, क्यों लॉकडाउन है, क्यों मूवमेंट नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि समझता हूँ कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं अभी तक फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा साथ हमारे साथ रहा है और हमारे वॉलंटियर्स ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है और बस यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये चीज़ ख़त्म हो जाए और फिर से हम खुली फिज़ा में जो है सांस ले सके। तो सर जिस तरह से काफ़ी सारी एनजीओज की जिस तरह से आपने बात की, हज़ारों एनजीओज हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई आपदा आती है तो कुछ एनजीओज जो हैं सामने आके जो हैं अपना जो कर्तव्य है वो निभाती हैं, तो बाकी सारी एनजीओ जिस तरह से काफ़ी सारी एनजीओ जो हैं वो ओपन भी हुई हैं लूट मार के, उसमें जिस तरह से पैसा इकट्ठा डोनेशन एनजीओ के नाम पे डोनेशन लिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपया बनाया जाता है, अपने घर बनाए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई आपदा आ जाती है आम जनता पे तो उस टाइम उस समय पे वो दिखती नहीं है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? सर ऐसा है कि एनजीओ जो है हमारी जो एनजीओ हमारी एनजीओ की एफसीआरए भी है, हर एक इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी है, लेकिन जो फंडिंग का इशू है हमने किसी से कोई फंडिंग फॉरेन फंडिंग हमने बिल्कुल नहीं ली है, बल्कि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ, हम लोग जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने जॉलजी डिपार्टमेंट से पीएचडी करी है 2018 में,
और हमारा ऊपर वाले की दिया से बहुत अच्छा नेटवर्किंग है, प्रोफेसर्स हैं, HODs हैं, डीन वेलफेयर है, डीन लाइफ साइंसेज है, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, और हमने जो है उनसे ही जो है इस समय हेल्प मांगी और उन लोगों ने हमें खुल दिल खोल के हमें कंट्रीब्यूट किया है, और ताकि हम गरीब से गरीब के इंसान के बंदे के पास जाके उसकी हेल्प कर सके। इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन का बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ फ्रॉड्स होते हैं, वो गवर्नमेंट का वो अलग एजेंसीज है जो इन पर चेक एंड बैलेंस रखती हैं, और जो भी हमें कंट्रीब्यूशन मिला है उसका बाकायदा हमारे पास एक रिकॉर्ड है जो बाद में ऑडिट होगा पूरा, और NGOs के पूरा जो है रखा जाएगा, ऑडिट करवाते हैं, हमारा ऑडिट भी है। लेकिन फ्रॉड भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी NGOs फ्रॉड भी करती हैं, लेकिन इस समय जो है इन चीज़ों में अपना एनर्जी को वेस्ट करने का नहीं है, हमें इस समय खिदमत खलक करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जितने भी NGOs हैं, ज़रूरी नहीं है NGOs हैं, कोई भी चार लोग अगर मिलकर काम करना चाहेंगे तो वो भी काम कर सकते हैं। इस समय सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है कि किस तरह से हर इंसान के घर में खाने को चीज़ें पहुंचाई जाएं, ताकि इस भुखमरी से, इस आफत से जो है बचा जाए। तो लिहाजा ये जो फ्रॉड वाली बात है फाज साहब, ये भी आपकी बातें सही हैं, लेकिन हमारे NGOs में अभी तक जो है हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारी NGOs की ऑडिटिंग भी होती है, और जो हमारे डोनर्स हैं वो डोनेशन भी दे रहे हैं, उनको रिसीट भी दी है, इनकम टैक्स की एग्जम्पशन भी है हमारे पास, तो हम उनको भी देते हैं, तो वो हमें डोनेट कर रहे हैं, उनको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा आखिर पे कि मैं जितने भी डोनर्स हैं उनका थैंक्स कहना चाहूँगा, और जो हम जो कर रहे हैं ये NGOs, बहुत सारी NGOs हैं, लेकिन करने का जुनून जो है ये इंसान के दिल में होता है, ये जुनून खून में होता है। मैं एक NSS वॉलंटियर रहा हूँ, हम लोग जम्मू यूनिवर्सिटी में वॉलंटियर, मैं पिछले 10 साल से NSS वॉलंटियर का एज रहा हूँ, तो हम लोगों के खून में ये चीज़ें, लोगों की खिदमत करना, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये जुनून है, लेकिन ये जितना भी जो काम इस समय आप देख रहे हैं कि लाखों हज़ारों लाखों रुपया लेके भी लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं कि जिनके पास आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेट के हालात क्या हैं, किस तरह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी यूथ जो है वो उस चीज़ को साइड पर रख के इस समय सर्विस की जो है और ध्यान देने की किस तरह से लोगों को जो एड्रेस किया जाए। सर, ये जो रेड जोन जम्मू को दोबारा से डिक्लेयर किया गया, इससे क्या समझते हैं आप, लोगों को परेशानी होगी या ये सही कदम है? सर, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन ने रेड जोन का डिक्लेयर किया हुआ, मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इस समय स्टेप ले रही है, आम पब्लिक का ये बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, अगर वो जम्मू में इस समय रेड जोन ना रखें तो ये चीज़ जो फैल सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर, मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कोई एक बंदा जो है कोई रेड जोन डिक्लेयर कर रहा है, पूरा टीम होती है, पूरी ग्रुप होता है, तो उन्होंने जो भी डिक्लेयर किया है रेड जोन कह रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रेड जोन में रह के ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस को रोक सकते हैं हम। तो अगर हम फ्री मूवमेंट रखेंगे, जो बाहर से भी हमारे पैसेंजर्स आ रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सारे यूथ कोई बांग्लादेश में है, कोई हरियाणा में है, कोई हिमाचल में है, कोई लखनपुर में है, तो जब तक उनको क्वारंटाइन में नहीं रखेंगे और रेड जोन में ही जो है क्वारंटाइन की फैसिलिटी, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से लॉकडाउन से हम इस कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी स्टेप लिया सर, हम बिल्कुल उनकी तायद करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा कदम लिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में जाते हैं, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें भी सामने से फेस टू फेस वो बात करते हैं, राशन की वगैरह वगैरह, वो चीज़ मैं जानना चाहता था कि उनके लिए कितना फ़ायदेमंद या नुकसानदेह है। सर, जहाँ तक आप पब्लिक की बात है तो कोई बंदा घर में रहना नहीं चाहता, क्योंकि इंसान की ह्यूमन नेचर है कि इंसान जो है वो आम फिज़ा में रहना चाहता है। तो लॉकडाउन में कोई भी इंसान खुश नहीं है, लॉकडाउन में कोई भी इंसान, लेकिन मजबूरी है सर। क्या है मजबूरी है? क्योंकि कोरोना वायरस ही ऐसी चीज़ है कि इससे बचना है आपने, तो आपने आइसोलेट करना है, अपने हजूम से आइसोलेट करना है। तो लोगों की परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं, मैं वीडियोज़ भी देख रहा हूँ, इंटरेक्ट भी लोगों से कर रहे हैं कि हमारे पास परसों भी यहाँ के यूपी के लोग आ गए, जी हमें किसी तरीके से यहाँ से बाहर भेजो। लोग मजबूर भी हैं, लेकिन इस समय जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट किए लोगों से कि मजबूरी से उन्होंने माफ़ी भी मांगी लोगों से, तो लिहाजा हम भी लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई लॉकडाउन का पालन कीजिएगा। जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो ई पास की बात है, गवर्नमेंट ई पास भी इशू कर रही है, चाहे कि उसमें उतना स्पीड अप से वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है गवर्नमेंट काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है,
तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा सहारा रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखें और ये चीज़ भी जो है ख़त्म हो जाएगी जल्दी। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ वाइस एनजीओ के ओनर हैं और इन्होंने स्टार्ट किया था अभी 90 से ये चल रही है एनजीओ, और अभी जो 1.5-2 महीने हो चुके हैं इनको जो लगातार इसमें जो अपना हिस्सेदारी जो है दे रहे हैं और काफ़ी अच्छे से जो लोगों के बीच में, गरीब आवाम के बीच में और इंसानों के साथ साथ में जो है जानवरों की भी ये लोग जो है सेवा कर रहे हैं। और लॉकडाउन को जो बढ़ाया गया है ये आम जनता के हित में है, रेड जोन इसको डिक्लेयर किया गया है, ये आम जनता के हित को देखते हुए किया गया है। इससे आप बिल्कुल भी ऐसा ना समझे कि हमें कोई अंदर जो है बंद किया गया है, आप अपने अपने घरों में रहेंगे, सेफ़ रहेंगे, महामारी बीमारी है, जितना सोशल डिस्टेंस रहेगा उतना जल्दी हम इससे जो है, दूरी जितनी हमारी रहेगी उतना जल्दी हम इससे आज़ाद हो पाएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज़ा मैडैंग, न्यूज़ एयर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।